रुद्रपुर के थाना ट्रांसिट कैंप क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने पत्नी से विवाद होने के कारण युवक के आत्महत्या करने की बात कही। पुलिस को घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच कर दी। मृतक के पिता बाबू सरकार ने पुलिस को बताया कि रात को दोनों पति पत्नी का विवाद हो गया था, जिसके बाद असली आत्मघाती कदम उठाया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। लगा ये 1:30 बजे घर आया था, बोल था उसका भाई किराए पे रहता था, हमारा पड़ोस में वो किराए पे रहता, हुआ बहू रात में रुका था हुआ, तो ये लड़का बुलाने भी गया था, वो आया नहीं। वो मेरा ख्याल कोई बात से दूसरा कोई कुछ उल्टा सीधा हो गया होगा। तो ये 1:30 बजे लगभग घर आया, नहीं हमारा पोता और नाते ही वो मेरा पास ही था, माई के मतलब उसका भाई किराए पे रहता है। हाँ भाई के। अच्छा हाँ, उसे ये लड़का बुलाने गया था बहू को। अच्छा, तो आया नहीं हुआ फिर ये, फिर हुआ कोई दूसरा बात उल्टा सीधा भी हो गया होगा। तो ये 1:30 बजे लगभग 1:30 बजे घर आया, 1:30 बजे का घर आने का बाद लगभग 1:45 बजे और 1:30 बजे इसका 15-20 मिनट के अंदर बस ये काम हो गया। ये आज सूचना हम लोगों को प्रातः मिली थी, इसमें एक जो 30 वर्षीय युवक है उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। इसमें पुलिस ने जो शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें उनके जो आत्महत्या के कारण है उसकी भी जानकारी की जा रही है। OPM के बाद जो भी कॉज ऑफ डेथ आता है सामने और जो परिजनों के बयान होते हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।